लगता है दादी की सारी बदुआएं मुझे लग रही। जी नवीद ठीक ही कह रहा है, कुछ तो ऐसा है। वो बददुआएं देती है, लड़ती झगड़ती है, मैं नहीं लड़ती उससे। और तो और पूरे मोहल्ले में बेइज्जत करके रखा हुआ है उसने मुझे। वजीद तुम उसके साथ सुलह सफाई रखा करो। कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन बुढ़िया है ही इतनी टेढ़ी, सुनती नहीं। हमारे बड़े कहते हैं कि समंदर मेरे के मगरमच्छ के साथ बैर कैसा। क्या मतलब है इस बात का? तुम उसके साथ सुलह करके माफी मांगो। सुलह वो तभी करेगी गुलखान, जब मैं ये कारोबार छोड़ूंगी। तुम बताओ, ये लाखों करोड़ों का कारोबार छोड़ के क्या करूंगी मैं? ये निकम्मा तो कुछ कमाने के काबिल नहीं है। और फिर तो नहीं हो सकता सुलह जी। अरे वाह, घर तो बड़ा चमक रहा है आज। खाना भी दिया है। चलो माँ के आने का कुछ तो फायदा है। मजार के खाने खा खा के थक गई थी, सफाई भी अलग करो। कम से कम ये तो है कि अम्मा सारे काम कर लेंगी, बचत भी होगी और फायदा भी। अम्मा को देख। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा मुझे माफ कर दे, सुबह मुझे बस गुस्सा आ गया था। देखो बेटा, कोई भी माँ अपने बच्चों की दुश्मन नहीं होती, बस समझाती है। जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बस जो कुछ हुआ ना अब आप उसे भूल जाएं। आप मुझे बताएं आपने खाना खाया है? नहीं। अच्छा मैं आपके लिए खाना भी लेकर आती हूँ, क्योंकि आप इधर बैठे। फराज को बुला के लाती। फराज नहीं है घर पे, बैंक से फोन आया था वो चला गया। अच्छा मैं फराज को कॉल कर देती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए ना खाना गर्म करके ला रही हूँ, आप बैठिए ठीक है? क्या एकेडमी से कॉल आई? हाँ आई थी, टर्मिनेशन के लिए। मैंने जानबूझ कर कभी छुट्टी नहीं ली, मगर लोग दूसरों की परेशानियों का जरा एहसास नहीं होगा। माँ मैंने प्रिंसिपल साहब को समझाने की बहुत कोशिश की। जानती हूँ के लिए आप ही तो उधर सपोर्ट करते थे मुझे। तुम टेंशन ना लो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ एक दो जगह बात भी की है तुम्हारे लिए जॉब की। जी मैंने भी कोई नंबर नोट डाउन किए होम ट्यूशंस के लिए, कल जाऊंगी। मैं पिक करने आ जाऊंगा। नहीं नहीं प्लीज, पहले ही आपके आने से लोग इतना मशकूक हो रहे थे। होने दें, हम भी लोगों के मुंह बंद कर देंगे, बस तुम फिक्र ना करो।